जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो अच्छे ही होंगे, ठाकुर जी की तो आप सब पर यूँ ही बनी रहे और आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो मैं लेकर आई हूँ मोहिनी एकादशी पर। कुछ टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी किसी कारणवश, और अब देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि वीडियो कंटिन्यू आए। तो चलिए, तो ये है मोहिनी एकादशी पर वीडियो, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। इसमें बहुत ही ज़्यादा लाभदायक बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और अगर मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो भी यह वीडियो आप पूरा देखिएगा और सुनिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, व्रत का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब जो मैं बताने जा रही हूँ इन बातों का आप पूरा पूरा ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष माना गया है और ये कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में नियमों का विशेष पालन करना चाहिए हमें। मोहिनी एकादशी का व्रत जो है हिंदू धर्म में व्रतों के महत्व के बारे में बताया जाता है, और इन व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना जाता है। एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। एकादशी के व्रत में नियमों का विशेष पालन करना चाहिए। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, मान्यता है कि व्रत रखने से लेकर व्रत के पारण तक विशेष नियमों का पालन किया जाता है। यदि इन पर ध्यान न दिया जाए तो एकादशी व्रत का पूर्ण पुण्य प्राप्त आपको नहीं होता है। अब मैं आपको महत्व बता देती हूँ मोहिनी एकादशी व्रत का। तो मोहिनी एकादशी व्रत का बहुत ही पवित्र व्रत है, और इस व्रत के दौरान विधि विधान और अनुशासन का बहुत ही महत्व है। भगवान विष्णु अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं, इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु को हरि भी कहा जाता है, जो हर दुखों को हर लेते हैं। यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष और पापों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है, इसीलिए यह व्रत सबसे अधिक रखा जाने वाला व्रत है। संपूर्ण भारत में इस व्रत को रखने की परंपरा है। महिलाएं इस व्रत को रखकर तिथि के समापन होने तक भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहती हैं। तो चलिए मैं बता देती हूँ मोहिनी एकादशी कब है। तो मोहिनी एकादशी आज ही है, 12 मई 2022 को है। मोहिनी एकादशी की तिथि 11 मई को शाम में 7:31 से शुरू होकर 12 मई को शाम 6:51 तक समाप्त होगी। एकादशी के व्रत में व्रत का समापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसे पारण कहते हैं, यानी कि व्रत तोड़ने या खोलने का समय। तो मोहिनी एकादशी के पारण अगले दिन अर्थात 13 मई को करें। त्रयोदशी में एकादशी के व्रत का पारण करना अशुभ फलदायी होता है। व्रत खोलने का सही समय व्रत खोलने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल को माना जाता है। अब मैं बता देती हूँ व्रत के दौरान हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो व्रत माध्या के दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए। अगर किन्हीं वजहों से सुबह के समय व्रत समाप्त नहीं कर पाए तो मध्याह्न के बाद पारण किया जाता है, यानी कि शाम के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। शाम थोड़े ढलने के बाद व्रत का हमें पारण करना चाहिए। अब मैं आपको जो है मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को स्वर्ग से भागकर असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था भगाकर, तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समुद्र मंथन की सलाह दी, और देवराज इंद्र ने असुरों के राजा महाराज बलि से मिलकर समुद्र मंथन की योजना बनाई।
क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया गया। उस समुद्र मंथन में एक एक करके 14 अनमोल रत्न उत्पन्न हुए। 14वें स्थान पर धन्वंतरी वैद्य अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही देवों और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ गया। इस कारण भगवान विष्णु ने रूपमती मोहिनी का अवतार लिया। देव और दानवों को अलग अलग पंक्ति में बिठाकर अमृत पान करने की बात कही। दोनों पक्षों ने सहमति बनाने पर भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार के मोहिनी का ऐसा जादू किया कि सारे असुर रूप में रूप और सौंदर्य को देखकर सम्मोहित हो गए। असुरों को सम्मोहित करके मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने देवराव को अमृत पिलाकर अमर कर दिया और इस दिन देवासुर संग्राम का अंत हुआ। तो ये थी मोहिनी एकादशी की पौराणिक कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।